public speaking is so difficult is because of the first thing is called the fear of rejection. हमें ऐसा डर लगता है कि हमें रिजेक्ट करेंगे लोग. अगर मैं मुंह खोलूंगा तो शायद पीपल मे नॉट एक्सेप्ट मी. सेकेंड फियर इज फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट. इफ आई मेक अ मिस्टेक, इफ आई मेक अ सिली मिस्टेक, इफ आई मेक अ ग्रामेटिकल मिस्टेक, इफ आई मेक अ पॉइंट मिस्टेक. द नेक्स्ट वन इज फियर ऑफ फेलियर. अरे यार चुप्पी बैठना अच्छा है, अगर मुंह खोलूंगा एंड अगर मैं फेल किया तो फियर ऑफ जजमेंट. अरे मैं प्रिंसिपल है, मैं अगर बात करूंगा तो कैसा होगा, लोग मुझे जज करेंगे. फियर ऑफ बीइंग एट द सेंटर ऑफ अटेंशन. अरे बाप रे सब लोग मुझे देखें, अरे मेरा शर्ट कैसा है, पैंट कैसा है. द नेक्स्ट वन इज फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल. अरे यार मैं यहाँ पे आई कम एंड आई से समथिंग एंड आई क्रैक अ जोक एंड नो वन इज लाफिंग. द नेक्स्ट वन इज फियर ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड. जब तक वो नहीं बोला तब तक ऐसा लग रहा था बहुत स्मार्ट था. एंड देन देयर इज अ फियर ऑफ नॉट बीइंग हर्ड. अरे यार मैं बोल रहा हूँ इतना अच्छा पॉइंट बोल रहा हूँ, आप लोग सुन ही नहीं रहे. फियर ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ. क्या मैं इनका एक्सपेक्टेशंस को अचीव कर सकता हूँ, कैन आई बी गुड फॉर द ऑडियंस. एंड द लास्ट फियर इज अ फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. सिंपली मैं मुंह खोला. इफ यू कैन कंट्रोल दीज फियर्स, इफ यू कैन कंट्रोल दीज इमोशंस, हाउ वुड यू फील? यू ट्रूली फील फ्री.